गणपति बाप्पा के आगमन से लेकर विसर्जन तक की तैयारी बीएमसी और प्रशासन ने पूरी कर ली है। इन तैयारियों का जायजा लेने चेम्बूर घाटला के कार्य सम्राट नगर सेवक अनिल पाटनकर घाटला ग्राम तालाब में पहुंचे थे, जहां उन्होंने विसर्जन की तैयारी के बारे में मीडिया से बातचीत की। देखिए, तैयारी तो लगभग हो चुकी है। इस महीने में हमने जून के पहले शुरुआत में जो मूर्तियां अंदर थी उसे खाली किया था, पूरा तालाब खाली करके साफ करवाया था। उसके बाद पूरा वॉशिंग करके ले ली है। अभी आज जो पुर्टी रहता है पानी साफ होने के लिए, ताकि वो कल से विसर्जन शुरू होता है तो जब स्वयंसेवक जब मूर्तियां छोड़ने अंदर जाएंगे तो उन्हें कुछ उस पानी से इजा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी वो भी काम शुरू है। लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। मुंबई हमारा महापालिका एम वेस्ट, हमारे शंकरवार डीएमसी उपायुक्त, हमारे सहायक आयुक्त मोटे जी और हमारे निकाल जी साहब मेंटेनेंस के और सभी एसडब्ल्यूएम के पीसीओ के सभी हेल्थ के सभी अधिकारी के माध्यम से आज काम लगभग हो चुका है। कल से बाप्पा बैठेंगे भी और लगातार यहाँ 10 दिन का विसर्जन शुरू रहता है। रोज़ मूर्तियाँ आती रहती है, जबकि 1.5 दिन का एक गौरी गणपति विसर्जन और 10 अनंत चतुर्थी का। उस वक्त ज़्यादा मूर्तियाँ आती है, कोविड ख़त्म हो चुका है लगभग। बस अब ये इस साल मुझे लगता है कि गणपति उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वक्त मेरे ख्याल से मूर्तियाँ भी बड़ी होगी और इस अच्छी तरह से विसर्जन होने के लिए लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है यहाँ पे। मैं तो ये इस तालाब का काम या तालाब के कामकाज के पीछे यहाँ का जो ट्रस्ट है अग्नि समाज हॉल के माध्यम, अग्नि समाज ट्रस्ट घाटला का, उनके माध्यम से तो मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ, मगर जब से राजनीति से कंप्लीट जुड़ा हूँ तब से तो शुरू में ही मैं नगर सेवक भी नहीं था। उस वक्त भी मैंने आमदार के माध्यम से, यूसुफ अबरानी के माध्यम से, गुरुदाजी कामत के माध्यम से यहाँ फंड लाया था। शुरू में तो यहाँ प्रमोद जी महाजन थे, किरण जी सोमया थे, उन्होंने भी फंड दिया था। फिर उसके बाद मैं महापालिका के माध्यम से मैंने फंड दिया लाया था। अनिल जी देसाई राज्यसभा खासदार, संजय जी राउत राज्यसभा खासदार, उनके माध्यम से यहाँ के दक्षिण मध्य मुंबई के खासदार राहुल जी सेवा है, उनके माध्यम से, मतलब कि यहाँ काम करते वक्त हमने कभी भी पक्ष को नहीं देखा है, क्योंकि सार्वजनिक काम रहता है उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कि सार्वजनिक काम हो वो सफल होना चाहिए, तो सफल के लिए सभी हाथ जुड़े जाते हैं, सभी तरफ से लोग आते हैं, तो सबको लेके इस ये तालाब का आज का जो आप जो चित्र देख रहे हैं, तो पिछले 15 साल की हमारी लगन और मेहनत का नतीजा है कि आज एक साफ सुथरा और अच्छा तालाब। अभी अगर आप शाम को अगर यहाँ का नज़ारा देखोगे तो गए साल हमने पूरे दीवार को लाइट की व्यवस्था दी है, ये 6-7 साल पहले ये हाईमैक्स की व्यवस्था की थी। मतलब लाइट जो व्यवस्था है वो एक देखने लायक होती है, और उस वक्त उसके लिए आपको शाम को आना पड़ेगा। मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है। आज सुबह भी हमने जब यहाँ का विजिट किया तो हमारे लोकल पुलिस स्टेशन गोंडी के पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक हुनवड़कर, उनके नेतृत्व में भी आज, और हमारे महापालिका के अधिकारियों के माध्यम से भी आज विजिट होगी, और लगभग सभी तैयारी में सभी लोग जुड़े हुए हैं ताकि बाप्पा का आगमन और बाप्पा का विसर्जन बहुत अच्छी तरह से और आनंदमय हो। मैं आपके माध्यम से मेरे नगर के और मुंबई के सभी लोगों को इस गणपति की शुभकामनाओं शुभेच्छा देता हूँ। बाप्पा को प्रार्थना करता हूँ कि जैसे कि कोविड को ख़त्म कर रहे हो, वैसा ही कोई भी रोग इस मुंबई नगरी पे नहीं आवे और मुंबई नगरी का हर नागरिक सुखी और समृद्धि रहे। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।